जीत को जीत के समीकरण में उसको पूरा करना है। जिस तरीके से हमें जीत मिलेगी उसके लिए, क्योंकि हम दोनों बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, गुलदस्ता मोदी जी का, हम लोग परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोग परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करके कैसे जीतें उसके लिए नियमानुसार बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ कि निषाद पार्टी को भी जिससे अन्य पार्टी को सिंबल मिला उसी तरीके से हम लोग भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ें, और उस पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे समाज की आवाज़ है उसको पहुँचाना हमारा काम है। और हम लोगों ने वादा किया है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, 400 पार NDA सरकार, उसके लिए हम चाहते हैं कि 80 सीट हम लोग जीते उत्तर प्रदेश में। लेकिन सिंबल की बात आपने कही कि सिंबल आपको मिले, आपकी आपके कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन जो सीट है वो तो एक सीट मिल चुकी, लेकिन तो क्या सिंबल? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उस समय 2022 हम 2019 में गए थे और लास्ट में गए थे, वो टेक्निकल था। भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई है, निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी, और जिस तरीके से RLD और अपना दल को है उसी तरीके से निषाद पार्टी को भी अवसर प्रदान करेगी। हम लोग हार को जीत बदलने का एक इतिहास रहा निषाद पार्टी का 2018, 2019, 2022, तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश में जो भी हारी हुई सीटें हैं उस पर भी हम लोग मिलकर लड़े तो आसानी से जीत सकते हैं। सर एक सवाल और है, कल मुंबई में भारत जोड़ो न्याय से है, और शक्ति जो है उसमें उन्होंने बताया कि शक्ति से लड़ना इतना आसान नहीं है, और इसमें शक्ति का जो किंग है वो EVM के साथ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ED का प्रयोग करते हैं, CBI का प्रयोग करते हैं, EVM का प्रयोग करते हैं। अगर EVM खराब है तो जो जीती हुई सीटें हैं जहां सरकार बनी है उसे विड्रा कर लें, उसे वापस कर लें अगर EVM पर भरोसा नहीं है तो, और रहा स्वतंत्र एजेंसी है ED की, उसका अपना काम है, और जो जिस लायक रहता है उसको निश्चित रूप से भारत के संविधान के मुताबिक उसे सजा का पात्र है। लेकिन उनका मानना है कि इस शक्ति से लड़ना, क्योंकि शक्ति काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है इसलिए लड़ना बड़ा मुश्किल है। जनता के पास शक्ति है, लोकतंत्र में जनता किसे शक्ति देगी वो तय करती है, और जनता ने इन लोगों को शक्तिहीन कर रखा है और मोदी जी को शक्ति देकर भारत को शक्तिमान बनाने का संकल्प ले रखा है। चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा करी 7 चरणों के लिए, उसको 7 चरण में भेजा जा रहा है, 7 चरण की उसमें कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया है, और जब समय था काम करने का तो किया नहीं, खाली अपने चंगू मंगू को काम किया। मोदी इसलिए सबका काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसलिए सारी जनता हमारे साथ है, इसलिए विपक्ष परेशान है, बयानबाजी कर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।